वीर बजरंग सिंह ने पलका न पार शिव जी का ग्यारह अवतार है। शिव जी का ग्यारह अवतार है। मारता जहान यार वो की जय मारता जहान। अब जय हेतु रामचंद्र भगवान की। आगामी गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़ा भव्य और दिव्य मनाया जाएगा। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो हाय हाय। सब जानकारी दे दी हमने। अब दरबार शुरू करें जल्दी। तो नहीं है तुम्हें हमें कौन सा रोटी अपन को भी जल्दी समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना और इन बच्चों को भी ताली बजा के पानी करवाए सबसे लोगों के घर पे आ रहे और मेहनत कर रहे हैं। तुम जहाँ बैठे हो इससे सुविधा क्या अच्छी हो सकती है। मरिया फ्री में दरबार, फ्री में भंडारा, जहाँ बैठे वहीं पानी आ रहा, सुबह से ब्रेक टी फ्री में। अब तो हनुमान जी के प्राण चाहते हो हैं? हैं? कितनी अद्भुत व्यवस्था है। सेवा बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबको पानी पिलाया गया है तो ताली बजाकर धन्यवाद। बोलो जय सिया राम। जय बागेश्वर बालाजी की। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है। और वही पूछना जो तुम सुन सको। बाद में कहो कि गुरु जी हमारा वीडियो बन गया डिलीट करवा दो तो हम डिलीट हम थोड़ी वीडियो बनाए आज भी बना के डाल देते हैं। हम क्या करें? देखो हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। तो वही पूछना जो तुम सुन सको क्योंकि ऐसी ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना। ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना। इसलिए ना तुम फुसकार सिद्धि की किसी की बेइज्जती करने नहीं दी है। लेकिन अगर तुम कहते हो तो थोड़ा सा अंग्रेजी सिखाने के लिए दी है। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं। दिस इज माय डिस्क्लेमर। तो फिर बाद में गुरु जी कह रहे समाधान हो। हाँ जो कह दिया जाएगा जो लिख दिया जाएगा ये बालाजी के चरणों का प्रताप है। सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार पर्चा भी कटने वाला नहीं है। यही बालाजी के चरणों का प्रताप। भारत में नहीं पहले तुम भारत में लोग अंग्रेजी बोलते थे। हाँ यहाँ तो ठीक है अनपढ़ लोग रहते हैं कुछ भी बता दो। जब हमने अंग्रेजों में गांधी दिखाया ठटवी भर गई। हमें तो चिंचों चाचों वाले हाँ सरदार ने दिखाया बेबी रह गए। ये बालाजी की कृपा है। किसकी कृपा है? हमारी नहीं है। किसकी कृपा है? हाँ और वह तो हम कुछ दिन पहले दुबई भी गए थे। भला हो तुम्हारा आशीर्वाद। समझ गया? कुछ बातें भूलने की नहीं होती है। कुछ इंटरनेशनल मामला होता है। जो तुम सुन पा और जल्दी जल्दी निकलते जाना। एक ही पहचान में पूरा खानदान निपटाओ। तुम लोगों की आज बहुत विचित्र है। एक पहचान है हमारी भाभी मौसी मामी नाना नानी। एक ही पर्चा में पूरा खानदान जो है
प्रयागराज के पंडित जैसे इतिहास न लिखा हूं, इसलिए मूल मूल प्रश्न पूछना है, उनका उत्तर लेना है, और जिनका परचाना मैंने उन्हें लाश न हुई हो, नजमान के अंतर में रही हो, अर्जी तो तुम्हारी ही स्वीकार है। जय सियाराम। रोड पे खड़े हुए हैं, बैठ जा भैया, पुलिस वाले जा रही है। रोड पे जितनी गाड़ियां रखी हैं, रोड की गाड़ियां बाहर कर दो, नहीं तो हम अब हम जो है आप समझ जा। जिनकी रोड पे गाड़ियां बाहर ले जाए, पंचर हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ रोड पर कांटे डले हुए हैं, हवा निकल सकती है। बोलो जय श्रिया, जय बालाजी की। अगरवाल शुरू करें, साढ़े बारह बजे छोड़ा, 1 बजे तक हमने दरबार में कुछ कैंसर वालों को देखा, उसके बाद में परिक्रमा उतारने के बाद हम फ्री हो गए, सो गए थे ढाई बजे। जय बालाजी की। अच्छा मंदिर में बदला बदला लगा, कैसा लगा? पहले से अच्छा हो गया ना? हाँ, अब बदल रहा है पूरा, इसलिए तो हम लगातार अभी बाहर जा रहे हैं ताकि और बदल जाए। काम एक फायदे, ठंडा पानी बदल, ठंडा पानी बोतल। आप लोग खड़े हुए हैं, वहां मत खड़े हो, वहां तो की गिनती रखी लगेगी, वहां आएंगे आप लोग, वहां आएंगे। अच्छा सीता मैया, हमें कुड़िया सुना है, तुम सीता मैया होगा? ये सीता मैया राम जी है, अकेली कान घूम रही सीता मैया। ये सीता मैया, तुम इस औरत पर कैसी आई? देखो तुम सीता मैया आ गई है, बड़े बड़े महात्मा तपस्या कर रहे थे, हमारे यहाँ से सीता मैया भरी घूम रहे हैं। सीता मैया भारी फ्री हो, ये दोनों हाथ उठा के क्या कर रही हो? अभी तपस्या राम को बुला रही है। आज ठीक आई, कल सही नहीं आई, कल दरबार में राम उड़ाया था, टाइम का अच्छा मैनेजमेंट मिलाया, कल आ जाती फिर हम हो जाता, ठीक है कम से कम एक दिन डिस्टेंस से आए, कल आ जाती तो कल भूत दरबार में राम उड़ाया, ये हो गई कि नहीं हमारे खड़ी, खतरा ये तो मारता हो तो बड़ी कृपा की सीता हो गया है, आज अपनी कम से कम आफत बच गई है, वो बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बच गया। तो तुम लोगों ने सुनो, कल दरबार लगाता एक भूत बड़े बोले हैं, मेरे नाम है,
यस यस आ जाइए, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है।
किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या आपको बतानी नहीं है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, किसी भी कोने से आपको बुला लिया जाएगा, आप तो आपके पूजनीय पिताजी के नाम से बुला लिया जाएगा। कलयुग में यही बालाजी के होने का प्रमाण दूसरी अभी बागेश्वर बालाजी श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणानुसार कोने पर एक बीज छोड़कर लोकेश नाम के भैया राजमान है, आपकी अभी दरबार में स्वीकार हो गई है, आप भी आ जाइए। लोकेश नाम के भैया एक भी छोड़कर के कोने पर रेलिंग के पास में है। हाँ दादाजी है तो साथ में है कोई, आ जाओ आप रेलिंग में, ये जगह है यहां से आने की, जो है सेवादार आगे निकलो। तीसरी भी आर्मी, आप आर्मी की जो ड्रेस पहने बैठे हैं भैया, आप आ जाए, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। इसके बाद राम गुरु जी सीताराम, दरबार में दो अभी रोग से बाहर से है, यहाँ पर जो भी सेवादार उधर गंभीरता से देखे, एक तो बालक सिर पर तौलिया बांधे हुए, बीचों बीच भैया नीली शर्ट पहने हुए खड़े हैं, सिर पर तौलिया टांगे हुए हैं, हाँ इनको बुला दीजिएगा, इनकी अर्जी स्वीकार होगी बिल्कुल। और एक यहाँ कोने में बहन जी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, पर शिवानी नाम की बहन जी है, वो खड़ी होगी लोग पर कोने में, उनकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है, उनको भी अंदर प्रवेश करवा दिया जाए। तीसरी और पब्लिक लिए हुए खड़े उन पर, उनकी भी अर्जी दरबार में स्वीकार है, उनको भी प्रवेश करवा दिया जाए। और नीली टी शर्ट वाले भैया को तौलिया वाले होंगे, उनको भी प्रवेश करवा दिया जाए। तीन लोगों को प्रवेश दरबार में लोग से करवाना। जय सियाराम, गुरु जी सीताराम। वो दादाजी अभी तक नहीं पहुंचे, आगे आ जाए। और ध्वज लिए हुए जो बालक खड़ा, तुम भी आगे आ निकल के रास्ता दे दो आने दो। हाँ आते जा भाई योगेश जी, जल्दी आओ। इसके बाद राम कहां बैठते जा रहे हैं, ठीक बागेश्वर धाम की बैठा है। दरवाजे पर द्वार पर सामने में कमलेश सिंह नागरिक भैया खड़े हुए हैं, आप भी आ जाए, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो चुकी है। अब द्वितीय तौलिया कड़े में डाले हुए दूसरे दरवाजे पर, यहां दाएं हाथ के दरवाजे पर सफेद तौलिया कड़े में डाले हुए सीढ़ियों के पास खड़े हैं जी, आप भी आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। आ जाओ ये कौन सिगारू, जय श्याम। इसके बाद अगले जी राम सीताराम को फसा दो
गुरु जी की प्रेरणा अनुसार दूसरे टीम है, हाथ में कागज का पंखा लिए हुए बैठे हुए भैया है जी, खड़े हो जाइए बिल्कुल कोने पर, दूसरी टीम है लास्ट में, आइए आपकी अर्जी स्वीकार, आप लोग बैठ जाए। डी का मतलब है लोहे का रे, वो जो आ रहे हैं उनको प्रवेश दे दिया आपने सामने वाले बच्चे को, ये प्रेस वाले वालों को पीछे भेज दो, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की हर 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 और जो है ना वो मोटर लगाओ से निकाल के मोटर लगाओ लास्ट में कोने में मनोज नाम के भैया खड़े हुए हाँ कोने में, यस आ जाइए आपकी अभी स्वीकार है, आगे आ जाए शीघ्र आ गए किसी एक को जब तक भेजा जाए तब तक दरबार का क्रम भी चलता रहेगा और जिया भी चलती रहे, मन में राम नाम का जप करो, सभी गुरु जी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। यहां बैठे कहां से आए होगा, पहली बार आए किसी को अपना नाम या परिचय तो नहीं दिया, क्या नाम है? अच्छा वो यहाँ राजमान थे जो यहाँ बैठे हुए थे वही हो, पढ़े लिखे हैं, नियम का पालन कर लेंगे, बिल्कुल क्या समाधान चाहिए कुछ शिवम कुंडली बहुत परेशान है, मन आज तक आपका बहुत ज्यादा, घर में तनाव क्लेश बना हुआ है, पिता के कारण मदरा पान कर रहे, 2026 के अंत में आपको नौकरी प्राप्त होगी और उसकी लगभग लगभग प्रति मासिक वेतन 33,000 रुपया होगी, क्या आशीर्वाद है, पिता को कोई भूत माना नहीं है और पगुआ सा बड़ा कोई देवता नहीं, इसलिए टाइम लगेगा ये काम करने में, समझे मैं थोड़ा आगे दौड़ा ये देखो तो गड़ रहा है आप समझ जाए, हाँ हाँ ये समझ रहे हैं, एक बेवेता लेट भैसन मांगे वाला ताके काटा दिन का बेवेता समझो, बेवेता समझो जन घोड़ा उड़ा के मारा थे, हाँ हाँ वही होना चाहिए बढ़िया लंबा वाला, सोना वाला नहीं है गुरु जी तब बांग बनाया तो ठीक है, दूर से बाली अब लोग बांग करके अच्छा हो, हाँ अपने तो शादी को काट हमारे लिए काम हुई है, जातुरों में ब्याह करवाना लवी के सक्सेस नाम ले दे उनको, काय नाम ले दे उनको माइक ले काले ने नाम ले दे उनका पता पंजाब मारा कि जीना ना हो जी ये ना जुबान कह रहा कर दे तो अबे घर जाओ कह रहा गाल दे रहा हूँ काली का नहीं है, मम्मी नहीं है, अकेले आए हैं
आपकी कृपा आपने हमारे बहुत मुसीबतें हैं। एक बार की समस्याएं है ना, यही नाम है सोनाली। जा जय जय हो गए सोनाली, अगर सोनाली हो तो मिल जाइए बप्पा जी को हनुमान जी का टेंशन ले रहा है, बेटिया तुम्हारा हनुमान जी आ गई हो हां खतरी के भाई ना कटा। हमें लगो भक्ति ने लो रोगे तो सुनाई के चक्कर में लो रोगे हो तुम जैसे बाबा सदा जी हैं। जा पेशी शुरू करो, हम उनके आने को सभी दें ठीक है, उठ जाओ इनको वीडियो बना लो भैया, रुक जाते बैठो और खिंचाई कर इसका वीडियो बनाओ, जब जो जाते बना के करो। तुम क्या कह रहे हो? वीडियो बनाओ वीडियो वीडियो तो जानबूझ के वायरल करवाने था। अब भाई मिले तो कहाँ गए तो बेटा? हमारा चार गांव है। कहाँ पढ़ते? जो 90 है। हाँ। 90 से 12 किलोमीटर आएंगे। हाँ। हाँ। अच्छा उनको नाम अगर बता दें तो थोड़ी कमिटमेंट थी कर लोग आई सके, अगर हम नाम बता दें तो ये हमारे लोगों का बात महाराज वो पता है हम वो चाहते हैं हमारा उसका कृपा है हमारे जी की कृपा। अच्छा लगेगा तो भी हनुमान जी की कृपा चलती है। देख रहा भाई पहली से प्यार कर तो बड़ा है सोनाली, उसका मन उच्चाटित है हनुमान जी से अगर हम प्रार्थना भी करेंगे कि लवेलिया पे कृपा करो तो आदमी भी काफी है, तो हनुमान जी यही काम बचे। अगर हम बता दें तो आज ही आप देख सकते हो उनका रेट जा रहा है आपको जवाब भी ना भूलो।